नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। समाज में शिक्षा की आवश्यकता पर मित्तल जाफरिया इस्लामिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में इल्म कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में सभी ने अलग अलग विषयों में समाज के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। और तरीके तारीखियों में राह दिखाता है और कौन उसकी अपनाने रहमत के आगे बारिश की खुशखबरी लेकर हवाओं को भेजता है। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आज के दिन जो पास में अच्छे नंबरों से उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है उनके लिए? हमने बनारस से ही सीख ली है और किसी बहुत बड़े कवि ने कहा है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, तो पहले अपने गुरु का पांव छू ले, उसे ज्ञान मिल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं और वो ईश्वर गुरु को मिला है इल्म की वजह से, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और हम जहाँ खड़े हैं वो शिक्षा की नगरी है। आपकी जानकारी भी बता दें, ये संस्था जहाँ कर रही है यहाँ भी एक शिक्षक ही है जिन्होंने ये स्वात्मान की स्थापना की है, तो अगर आप शिक्षित बने। मुकीम में रहने वाला हूँ, वहाँ पे एक मदरसा है, मदरसे इमानिया अरबी कॉलेज, यहीं पे रहता हूँ। एक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, माहम इंटरनेशनल स्कूल, जिसको जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ और उसका पार्टनर हूँ। और ये इन कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि जहाँ आप आए हुए हैं और आपने देखा लोग एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी दूरी हो गई है और हम भी चाह रहे थे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज हों, उनको इनक्रेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना कि वो एजुकेशन हासिल करें और आला तालीम हासिल करें। इसलिए कि किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो डिपेंड है एजुकेशन पर। जितना ज़्यादा एजुकेशन और जितना ज़्यादा तालीम उसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ ही उस बच्चे या उस लड़के या उस फर्द की तरक्की का सबब नहीं है बल्कि उस शहर और उस मुल्क की तरक्की। और हम लोग 50-60 नौजवान ऐसे हैं इस वक्त को चला रहे हैं। चलाने का मतलब ये है कि हम लोगों का मेन फोकस है कि एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी, ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। मतलब एजुकेशन के मामले में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, उनको इंकरेज किया जाए, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बोला, हमारे जो संस्था के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि ये अभी पहली मंजिल है, ये पहली सीढ़ी है, अभी बहुत आगे जाना है और बहुत ऊपर चढ़ना है। तो हम लोग 3 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और हमारा ये सेकेंड टर्म है इल्म कॉन्फ्रेंस का। और मैं यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से वो बच्चे जो क्लास 10, क्लास 12 और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन।